के घोसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है। इस दौरान हम मौजूद है घोसी विधानसभा क्षेत्र के एक चौराहे पे, ये चट्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ गांव के लोग मौजूद है। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं, ये लोग हैं ग्रामवासी हैं जो कि 354 घोसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है। यहाँ मौजूद लोगों से हम जानते हैं विधानसभा चुनाव में क्या लहर चल रही है और मुद्दे क्या है। आप यहीं के रहने वाले हैं, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पे। अभी आपके यहाँ से दारा सिंह चौहान विधायक थे, समाजवादी पार्टी की साइकिल से विधायक थे, अब कमल लेके घूम रहे हैं, तो क्या ये जनता के साथ छलावा है या खुद के साथ अच्छा करने की कोशिश? अरे छलावा ही तो है, बिल्कुल छलावा है। अभी पहले वाले में सपा से थे, भाजपा तुरंत पकड़ लिए हैं। क्या सपा उनको नहीं सहयोग दी थी? तो सपा में रहना चाहिए था, सब होते ना कि जमीनी नेता है, सब लोग उनसे उम्मीद रहता है कि आज भी काम करते। ठीक है, पार्टी बदलने का मतलब तो उनसे आता नहीं है। फिलहाल में जो भी हो तो जनता जो करेगी वही तो उचित है। दारा सिंह चौहान घोसी से सांसद भी रहे, विधायक थे मधुबन से, मंत्री रहे, अभी घोसी से विधायक है, फिर घोसी से विधायक बनने के लिए वो इस्तीफा दे के आ गए हैं। ऐसे में क्या जनता उनके साथ है? आप लोग किस मुद्दों के आधार पे किसको वोट देने जा रहे हैं? सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, वहीं दारा सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पे, चुनाव में कौन भारी है? दारा सिंह चौहान भारी है कि सुधाकर सिंह? सुधाकर सिंह। क्यों, स्थानीय होने की वजह से या फिर दारा सिंह चौहान भारी है इस वजह से? स्थानीय होने की वजह से सुधाकर सिंह भारी है, जमीनी नेता है। अच्छा, दारा सिंह चौहान सांसद रहे, मधुबन से विधायक रहे, मंत्री रहे, यहाँ मौजूद है, मैं अपने साथी से कहूँगा जरा दूसरी तरफ होके दिखाएं, विधायक रहे, फिर विधायक थे अभी तक, लेकिन उन्होंने दल बदल लिया, कुछ लोगों का कहना है कि मंत्री बनने की चाहत में इस्तीफा दे के भाजपा में आ गए हैं, कितना सही मानते हैं आप इस बात को? भैया हो जैसे मलाई फैला का आदत पड़ गई, ओके मलाई जब ना मिली तो नीक ना लगे, बसपा में मलाई खैलना, भाजपा में मलाई खैलना, सपा में मलाई ना मिलल तो फिर साल भर बाद कूद के आ गए ना भाजपा में मलाई खाए। मतलब मलाई एहू जो ना मिलता कहीं और जा सके ना? दोनों पार्टी पकड़ ले उनके मलाई खैला करो सब आदत थी, बिल्कुल जब ना मलाई ना मिली तो कौनो पार्टी वहाँ से आके चुनाव लड़ो, तीन तीन बेर कैबिनेट मंत्री रहो, विकास के नाम तो का भैया था भैया, यहाँ बलिया यहाँ पानी दोहरी घाट कैनाल का पानी मऊ की जनता के ना मिलत है, घोसू की जनता के ना मिलत है, पानी चल जाता है बलिया, यहाँ जौन कोपागंज थाना के सड़क जाती है जौन की विकास का मेन सड़क है, आज तीन चार साल से टूटल एकदम गड्ढा हो गया, आदमी जन जात में हो कि बहुत तनाव हो, फिर भी ऊपर केहू नेता का सोचना है, चाहे वो सपा का होके चाहे वो भाजपा का होके, लेकिन आपन बात सब जनता के गुमराह करके वोट लिया चाहते, वो परिस्थिति में जनता खुद ना समझ पाते हम केकर हाथ धरी के हम फिर किनारे ले चले। अच्छा, आपने कहा नहर का पानी कहीं और चल रहा है, क्या मामला है नहर का, नहर के पानी का, और किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा है भैया जी, किसानों का समस्या यही है, जो नहर का पानी है जो मऊ से निकल करके बलिया को जाता है, हाँ। तो मऊ को जो निकल के बलिया जाता है वो मऊ में नहीं आ सकता है, लेकिन जब हम लोग को तब पानी मिलता है जब हम लोग को जरूरत नहीं रहती है, कलेक्टर की दया हो जाती है तो दो दिन के लिए पानी मिल जाता है, कभी किसी क्षेत्रीय नेता का दबाव पड़ता है तो दया के नाम पर एक दिन फाटक उठा दिया जाता है तो नहर में पानी आ कहीं महीनों का महीनों लगातार पानी जाता है गली, आ यहाँ दया पर मिलता है, कभी कलेक्टर का दया होता है तो मिल जाता है दो दिन के लिए पानी, कभी कोई नेता का दबाव पड़ता है तो फाटक उठ जाता है दो दिन के लिए पानी। मतलब दया के आधार पे पानी मिलता है यहाँ के किसानों को, तो क्या ये मऊ की जनता के साथ भेदभाव नहीं है? भेदभाव है तो यहाँ के स्थानीय विधायक नेता जनप्रतिनिधि कभी इस मुद्दे को लेके जिलाधिकारी के पास गए अपनी आवाज उठाए? विधानसभा का दुर्भाग्य ये जो है कि 15-16 महीने में चुनाव होने जा रहा है जी, यहाँ पर जो है कि कसारा से कोपान जो मार्ग है, हाँ, उस पर चलना दुभर हो गया है जी, और किसी भी नेता का जबकि वो 5 साल मंत्री रहे जी, राज्यसभा मेंबर रहे, विधायक तो इतना जल्दी क्या था कि जब विधायक बनना था फिर दोबारा चुनाव कराने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री बनने की चाहत में भाजपा के प्रत्याशी बन गए हैं, यही है यही है। हाँ,
अच्छा विकास उपास का कुछ काम हम कराए थे, सांसद भी थे, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनकी राय जानते हैं। दारा चौहान अभी विधायक ही थे घोसी से, फिर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना है आप लोगों का? आप लोग उनके साथ हैं, समर्थन में हैं? ठीक है, जब हैं तो फिर समर्थन में ना हैं जी। और सुधाकर सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग सुधाकर सिंह का विरोध कर रहे हैं या दारा चौहान का सपोर्ट कर रहे हैं? ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दे जो है इनके आधार पे वोट जा रहा है या फिर पार्टियों के आधार पे? सभी लोग तो नेते हैं जो ना, क्या बताया जाए। अच्छा ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं, कोपा कसारा रोड नहीं, समस्त ग्रामवासियों का वोट नहीं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, ये पोस्टर क्यों लगा रखा है आप लोगों ने, क्या मामला है? देखिए हम लोग इसलिए पोस्टर लगाए हैं जी, यहाँ पे तो जो पक्ष विपक्ष के नेता खड़े हैं तो खड़े ही हैं जी, जो क्षेत्रीय नेता है वो भी निरंकुश है जी, जो उनको लेकर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसा कोई भी ऐसा नेता ना हो कि जिसके लिए कोई एप्लीकेशन डाला हो, चाहे कोई क्षेत्रीय नेता बना हो। और जो विधायक सांसद जीत के आ रहे हैं, दारा सिंह चौहान जी हो गए, चाहे कोई भी हो गया, तो हमारे यहाँ दो कमियाँ हैं, एक तो नहर का हो गया जी, और दूसरी हो गई है यातायात की जी। यातायात में दो जगह हैं, कोपा कसारा रोड और इंदारा क्रॉसिंग। एक नॉर्मल बना है कोपा से लेकर द्वारीघाट तक का रेलवे ट्रैक, उसके सब जगह आप देखें तो अंडरग्राउंड पास बना है। पर हमारे यहाँ एक ऐसा इंदारा में चार लेन की बनी है रेलवे क्रॉसिंग, उस पर ना फ्लाईओवर है ना अंडर पास, उससे ये इतना हमारा नुकसान है कि सोचिए कि अगर हमारा काम आधे घंटे का है तो हम दो घंटा पहले निकलते हैं और दो घंटा बाद आते हैं, यानी आधे घंटे का काम हम चार से साढ़े चार घंटे में करते हैं। इसके लिए ना कोई नेता आता है ना कोई भी। उसके बाद देखिएगा कि रोड जो है जी, उसका जो हमारा ब्रेकर सबका तोड़ दिया गया, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। हमारे विद्यालय दोनों तरफ विद्यालय हैं रोड के, और कोई भी हम लोग दो तीन बार बोले भी कि ब्रेकर लग जाए कुछ हो जाए, कोई भी नहीं सुनवाई होता, क्योंकि हमारा नेता ही कोई नहीं है जी, कोई सुनेगा नहीं, इसी कारण हमारा विरोध है और कोई विरोध नहीं। तो आपने सुना घोसी विधानसभा क्षेत्र के इस चट्टी चौराहे के लोगों की बात, जिनका कहना है कि चुनावी हिसाब में नेता तो आ जाते हैं लेकिन विकास के मुद्दे पर होते हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ दिव्यंदु राय, भारत एक्सप्रेस, मऊ।